भाजपा ने किसानों के साथ किया छल, जनता देगी 2024 में जवाब, उपेंद्र सिंह। फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के अति पिछड़ा अधिकार रैली का आयोजन फतेहाबाद। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक सूत्र में बांधने का काम राहुल गांधी ने किया है। जनता भाजपा के झूठे वादों को जान चुकी है। उक्त उद्गार कस्बा फतेहाबाद के बाहर रोड पर स्थित सनराइज अस्पताल के पास आयोजित फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित अति पिछड़ा हल्ला बोल रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने व्यक्त करते हुए कहा कि जनता भाजपा के झूठे वादों को जान चुकी है। युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर किसानों की आय दोगुनी करने के नाम पर छला गया। आज महंगाई चरम सीमा पर है। आज इस समय मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी को हाथों हाथ ले रही है। इससे साफ जाहिर है 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बना रही है। वहीं जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू ने कहा कि 2024 में चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बना रही है। किसने की आय दोगुनी, आय के स्थान पर समाप्त हो गई। खाद का कट्टा 50 किलो के स्थान पर 45 किलो का हो गया। रेट बढ़ गया। कांग्रेस शासनकाल में 350 से 400 में खाद का कट्टा मिलता था। आज 1800 रुपए ब्लॉक में भी किसानों को नहीं मिल रहा है। नौकरी के स्थान पर अग्निपथ तैयार कर दिए। कल बैंक वीर, होमगार्ड भी, पुलिस भी लेकर आएंगे। 4 साल की नौकरी नौजवान नहीं करना चाहता है और कांग्रेस की ओर टकटकी लगाए बैठा है। वहीं होतम सिंह निषाद, प्रदेश उपाध्यक्ष फिशरमैन कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश ने कहा, सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों का विभाजन के तहत नौकरियों में हिस्सेदारी दी जाए। सरकार द्वारा पिछड़ी जाति की जातिगत जनगणना कराई जाए। पिछड़े वर्ग का आबादी के हिसाब से आरक्षण बढ़ाया जाए। पिछड़ी जाति को लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों में आरक्षण, अति पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के दलित एक्ट की तरह अति पिछड़ा एक्ट बनाया जाए। अति पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिए दलितों की तरह अलग बजट बनाया जाए। नदियों के समस्त अधिकार श्रेणी 3 की जमीन के पट्टे, मछली पालन के लिए तालाबों व नदियों के पट्टे, नदियों से निकाले जाने वाले बालू मोरंग के पट्टे कानून बनाकर मछुआ समुदाय के लोगों को दिए जाएं। कार्यक्रम का लालाराम निषाद, जिला अध्यक्ष फिशरमैन कांग्रेस कमेटी महेंद्र निषाद, मंडल अध्यक्ष फिशरमैन कमेटी उमेश जोशी, ब्रजपाल सिंह, रोहन सिंह रघुवंशी, शिव सिंह कश्यप, कोक सिंह चौहान, शिव कुमार, सुरेश आर्य, किशोर कश्यप, पूरन सिंह कश्यप, देवेंद्र कश्यप, सचिन गुप्ता, राजू झा, बलदाऊ कुशवाहा, राम नरेश निषाद, कुमार सिंह निषाद, कामता प्रसाद, नीरज खटीक, सुनील कुमार निषाद, सुनील निषाद आदि मौजूद रहे। फतेहाबाद से सुशील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पूरा गांव के गांव में कई जगह पिछड़े और अति पिछड़े लोग, जिन लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती, पत्रों के माध्यम से ही वोट बटोर लिए जाते थे, आज आ रहे हैं और जिनकी सदस्यता मैं ग्रहण कराता हूँ, दूसरा जो लहर चल रही है राहुल जी की यात्रा की, सच्चाई की और भ्रष्टाचार मुक्ति की। देखिए आज ये अति पिछड़ा हल्ला बोल सम्मेलन का आयोजन आगरा जनपद के फतेहाबाद विधानसभा में आयोजित किया गया है। ये आयोजन एक विचारधारा को लेकर के रखा गया था, क्योंकि पिछड़े जो भी लोग हैं उनको ना तो पिछड़ा समझा जा रहा है पूरी तरह से,